तो हेलो गाइस वेलकम। इस वीडियो पर तुमको सिखाऊंगे कि मेरे जैसे कुछ इस टाइप के स्टेटस वीडियो को तुम कैसे एडिटिंग करोगे। सबसे आसान तरीका तुमको बताऊंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर तुम भी बना सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हारे पर वो कैनमास्टर डाउनलोड करना होगा। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना बिना वाटर मग वाला, इसको भी तुमको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले तुमको कैनमास्टर को ओपन करना, जैसे ही ओपन करोगे कुछ ऐसा देखने को मिलेंगे तुमको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले क्रिएट न्यू पर तुमको टच कर देना होगा। तुम स्टेटस वीडियो को एडिटिंग करोगे तो यहाँ पर 9:16 रेशो पर तुमको टच कर देना होगा। पर क्लिक करोगे ना तो देख सकते हो कुछ ऐसे रोटेट बन जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले तुमको फ़ोटो लेना होगा, तो फोटो लेना होगा 6 फोटो, टोटल 6 फोटो तुमको लेना होगा। तुम्हारी फ़ोटो या फिर किसी का भी फ़ोटो तुम ले सकती हो। तो मैं यहाँ पर 6 फोटो लेकर तुमको बता देता हूँ। तो गाइस फोटो लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हो क्या करना है तुमको। फोटो यहाँ पर लेने के बाद तुमको क्या करना है, यहाँ पर फोटो पर क्लिक करके पेन एंड जूम पर जाके तुमको फोटो को फुल स्क्रीन से करना होगा। देख सकते हो जितना भी फोटो यहाँ पर एडिट किया ना, सबको यहाँ पर तुमको फुल स्क्रीन करके इसको टिक लगाना है। तो यहाँ पर वीडियो बहुत ही लंबी होगा तो मैं इसको करके तुमको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। तो फ्रेंड्स देख सकते हो सब फोटो में यहाँ पर एक एक करके सबका फुल स्क्रीन कर दिया हो। तो इसके बाद क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना। पूरे फोटो यहाँ पर होने के बाद क्या करना तुमको, देख सकते हो फोटो को कुछ यहाँ पर देख सकते हो, कुछ ऐसे तुमको दिखा देंगे। तो फोटो पर क्लिक करना, ध्यान से देखना वीडियो को। फोटो पर क्लिक करके फोटो को यहाँ पर तुमको फोटो का पॉइंट तुमको कितना रखना वही तुमको मायने में रखना होगा, नहीं तो वीडियो यहाँ पर फालतू सा बन जाएगा। फोटो का ड्यूरेशन तुमको यहाँ पर देख सकते हो 4 सेकंड तक रखना होगा तुमको। यहाँ पर देख सकते हो 4 सेकंड, यहाँ पर देख ध्यान से देखना 4 सेकंड। तो यहाँ पर एक एक करके पूरा फोटो को तुमको 4 सेकंड तक यहाँ पर कर लेना। तो देख सकते हो पूरा फोटो यहाँ पर 4 सेकंड तक हो गया है। होने के बाद तुमको क्या करना है, फोटो का बीच में आना है। यहाँ पर फोटो का बीच में आके स्प्लिट पर आके यहाँ पर तुमको एक स्प्लिट मार देना होगा। मारने के बाद यहाँ पर जितना भी फोटो होगा ना सबको तुमको यहाँ पर स्प्लिट मारना होगा बीच में आके। तो देख सकते हो यहाँ पर पूरा फोटो पर मैं स्प्लिट मार दिया। अभी तुमको यहाँ पर ट्रांजेक्शन ऐड करना होगा। तो ट्रांजेक्शन ऐड करने के लिए तुमको यहाँ पर दिखाई देंगे प्लस का ऑप्शन, तो इस प्लस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। और तुमको सबसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कौन सा ट्रांजेक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो टेलीस्कोप, तो इसको डाउनलोड तुमको कैसे करना है तुमको मैं आगे बताता हूँ। तो इसके बाद तुमको क्या करना है, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे तुमको दिखाई देंगे 08, इस पर क्लिक कर देना होगा। हाँ तो वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर देख सकते हो लग चुका है। और इसको यहाँ पर जो पॉइंट दिखाई देंगे ना तुमको, इस पॉइंट को तुमको सबसे लास्ट में रखना है, यानी आपको फास्ट में रखना, तुमको सबसे लास्ट में रखना है। और क्या करना है तुमको, बीच में एक को छोड़ देना, एक एक को छोड़ के तुमको लगाना होगा। तो सेकंड यहाँ पर थर्ड पर क्लिक करना और इसको भी मैं इसको लगा देता हूँ। टेलीस्कोप पर जाके तुमको अभी यहाँ पर 07 को क्लिक कर देना, देख सकते हो 07। और सेकंड पर फिर से क्लिक कर देना और फिर से ट्रांजेक्शन पर जाना और अभी तुमको 04 पर क्लिक कर देना और इसको भी क्लिक करके देख सकते हो बीच में एक को सोर के तुमको करना होगा, नहीं ये तो वीडियो मस्त नहीं बनेगा, ऐसे फालतू बन जाएंगे बाद में, कमेंट पर मत बताना। तो यहाँ पर 03 पर क्लिक कर देना और इसको भी क्लिक करके नीचे तुमको ट्रांजेक्शन पर जाके यहाँ पर 01 पर क्लिक करना और लास्ट में एक बसा है, इसको भी क्लिक करके यहाँ पर टेलीस्कोप पर जाके 02 पर क्लिक कर देना। तो अभी यहाँ पर पूरे वीडियो में लग चुका है ट्रांजेक्शन, देख सकते हो लग चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर एक सॉन्ग लगाएंगे, यानी सॉन्ग यहाँ पर आप कोई सा भी लगा सकते हो, अपना सॉन्ग या फिर किसी का भी सॉन्ग लगा सकते हो। तो मैं एक सॉन्ग यहाँ पर डाउनलोड करके रखा, इसका भी लिंक तुमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इस सॉन्ग को तुमको लगाना होगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो सॉन्ग को मैंने यहाँ पर एडिट कर लिया और बाकी का जो सॉन्ग है इसको मैं कट कर देता हूँ। कट करने के लिए ट्रिम टू स्प्लिट पर जाकर ट्रिम टू राइट कर देना तो कट हो जाएंगे। और जितना भी मैं टेम्पलेट यूज़ करेंगे ना सबका लिंक तुमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो तुम आसानी से यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर ब्लैक फ्रेम को ऐड करता हूँ। फ्रेम को ऐड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके इसको लास्ट तक कर देना ताकि पूरे वीडियो में वो दिखाई देने है। तो
आधी अधूरी पे दिखाई देंगे तो वीडियो अच्छे नहीं बनेगा। तो यहाँ पर तुमको यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पर टच करके फुल स्क्रीन इसको कर देना और इसका ब्लेंडिंग पर तुमको जाना होगा। जाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना तो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो आप यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक कर देता हो और मैं यहाँ पर ब्लैक शेड यहाँ पर ब्लैक टेम्पलेट को यूज़ किया था, इसको भी एड कर ले। तो देख सकते हैं इसको भी यहाँ पर मैंने एड कर लिया। एड करने के बाद आपको यहाँ पर तुमको स्प्लिट स्क्रीन पर जाके इसको फुल स्क्रीन कर देना और इसका ब्लेंडिंग पर जाके इसको भी स्क्रीन कर देना। करने के बाद तुमको बैग आके इसका मिक्सर पर जाके इसका साउंड म्यूट कर देना। देख सकते हो इसका साउंड मैंने म्यूट कर दिया, अभी पूरी वीडियो बन के रेडी हो चुका है। अभी एक बार मैं प्ले करके तुमको सुनाता हूँ कि किस टाइप से तुम्हारी वीडियो बन के रेडी हो चुका है। तो है ना मस्त वीडियो बनके रेडी हो चुका है कुछ ही मिनटों के अंदर। तुम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना। डाउनलोड करने के लिए इसे डाउनलोड बटन पर क्लिक करके तुमको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई देंगे रेजोल्यूशन। तुम 1080 पर रखोगे तो फुल HD आएगा, 720 पर रखोगे तो इसको हल्का आएगा। तो 1080 पर रख के जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो वीडियो डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुका है।